हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर पैरेलल डेटाबेस में फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो आज हम जानेंगे कि डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस कौन कौन से होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस में हमारे पास जो फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल डेटाबेस है उसका नाम है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। तो देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर पैरेलल डेटाबेस में जो है क्या होता है। तो इन शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर सिंगल मेमोरी इज शेयर्ड अमंग मैनी प्रोसेसर्स। तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में ये हमारे पास सिंगल मेमोरी है और इससे इसको शेयर किया जाता है मैनी प्रोसेसर के द्वारा। तो ये हमारे पास प्रोसेसर है पी, पी का मतलब प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है। तो ये सारे प्रोसेसर जो है सिंगल मेन मेमोरी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस डायोग्राम में। आगे देखते हैं, सेबरल प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इंटरनेट नेटवर्क विद मेन मेमोरी एंड डिस्क सेट। तो ये जितने भी प्रोसेसर हैं ये सारे के सारे प्रोसेसर प्लस ये मेमोरी और प्लस ये डिस्क सेटअप, ये और ये तीनों डिस्क सेटअप है। तो सेबरल प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी और डिस्क सेटअप, ये सारे के सारे जो है जुड़े हुए हैं एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू, ये सारे जुड़े हुए हैं। और उस इंटरकनेक्शन नेटवर्क को हम हाई स्पीड नेटवर्किंग बोलते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये बस का नेटवर्किंग सिस्टम भी हो सकता है, मैस या फिर हाइपर क्यूब का भी नेटवर्किंग सिस्टम हो सकता है। तो नेटवर्किंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, और जो है मैस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पर सेबरल प्रोसेसर और मेन मेमोरी और डिस्क सेटअप जो है ये बस या मैस और हाइपर क्यूब नेटवर्किंग सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं। तो हियर इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज यूजुअली हाई स्पीड नेटवर्क, मे बी बस, मेस और हाइपर क्यूब। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड नेटवर्क है, ये बस का नेटवर्किंग सिस्टम हो सकता है, ये मेस या फिर हाइपर क्यूब का नेटवर्किंग सिस्टम हो सकता है। तो ये नेटवर्किंग सिस्टम क्या करते हैं, विच मेक्स डेटा शेयरिंग ईजी अमंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स। तो ये हाई स्पीड नेटवर्किंग जो है ये क्या करता है कि वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में प्रोसेसर, मेमोरी और डिस्क, इन सब के आपस में कम्युनिकेशन को, डेटा शेयरिंग को बहुत ही फास्ट बना देता है। तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर इसी को बोलते हैं। तो पैरेलल डेटाबेस में फर्स्ट आर्किटेक्चर जो है हमारे पास वो है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। और शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक हाई स्पीड नेटवर्किंग, जिसे हम बस बोल सकते हैं, बस टोपोलॉजी बोल सकते हैं, मैस या फिर हाइपर क्यूब टोपोलॉजी बोल सकते हैं। तो इस बस और मैस टोपोलॉजी से सारे प्रोसेसर, मेमोरी और डिस्क सेटअप ये सारे जुड़े हुए होते हैं। और इसी हाई स्पीड नेटवर्किंग की वजह से प्रोसेसर, मेन मेमोरी और डिस्क सेटअप के बीच में डेटा की लेन देन कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये था शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर का जो एडवांटेज है वो ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयूज़ आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट।
तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं और डिस्क सेटअप लगे हुए होते हैं जहां पर हमारा डेटाबेस इंस्टॉल होता है, और एक मेमोरी होती है और उसी सिंगल मेमोरी को सारे प्रोसेसर शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सीपीयूज जो है या प्रोसेसर्स जो है उनके आपस में कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है, बहुत इजीली होता है, और प्रोसेसर्स जो है आपस में एक दूसरे को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, बहुत फास्टर मैसेज सेंड कर सकते हैं कॉमन मेमोरी को यूज़ करके। तो कुल मिला जुला करके अगर यूजर्स ने कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस सिस्टम से फेच करना चाहा है तो जितनी भी रिक्वेस्ट डेटाबेस सिस्टम के पास आएगी तो वो सारे रिक्वेस्ट को बहुत सारे प्रोसेसर जो है रीड करके, और जो है सारे प्रोसेसर्स जो है, क्योंकि कॉमन मेमोरी, एक ही मेमोरी सारे प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, तो सारे प्रोसेसर जो है कॉमन मेमोरी को यूज़ करके आपस में तुरंत ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट आई है तो कौन सा रिक्वेस्ट कौन सा प्रोसेसर हैंडल करेगा, कौन सा रिक्वेस्ट कौन सा प्रोसेसर हैंडल नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला करके प्रोसेसर के बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो कॉमन मेमोरी को यूज़ करते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। तो मेमोरी बस इस बॉटलनेक, तो एक सिंगल जो है नेटवर्किंग कनेक्शन के साथ जो है मेमोरी जुड़ी हुई है और बहुत सारे प्रोसेसर जो है उस मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, तो मेमोरी जो है मेमोरी जो बस से जुड़ी हुई है, जो इंटरनेट के कनेक्शन से जो मेमोरी जुड़ी हुई है, तो वो इंटरनेट का जो कनेक्शन है, मेमोरी का बस सिस्टम से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जो है उसमें बॉटलनेक आ सकती है, वो कोलैप्स हो सकता है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क बिकम्स बॉटलनेक एज द नंबर ऑफ सीपीयूज और प्रोसेसर्स इंक्रीजेस। और अगर शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में हम प्रोसेसर को, नंबर ऑफ प्रोसेसर को या नंबर ऑफ सीपीयूज को बढ़ा देते हैं, तो जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, जो बस टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं सारे प्रोसेसर्स को, मेमोरी को और डिस्क सिस्टम को जोड़ने के लिए, वो इंटरनेट कनेक्शन, वो बस टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी जो है वो भी कोलैप्स होने का डर होता है। तो बिकॉज कम्युनिकेशन बस और इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज शेयर्ड बाय ऑल सीपीयूज और प्रोसेसर्स, तो द शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर इज नॉट स्केलेबल बियॉन्ड 80 और 100 सीपीयूज इन पैरेलल। तो जो है जो कम्युनिकेशन बस है, जो मैश टोपोलॉजी है या फिर बस टोपोलॉजी है, यानी कि इसको इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं, तो इस इंटरनेट कनेक्शन को शेयर किया जाता है मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा, मल्टीपल सीपीयूज के द्वारा। तो शेयर किया जाता है, तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर इज नॉट स्केलेबल बियॉन्ड 80 और 100 सीपीयूज इन पैरेलल। तो इस तरह के सिस्टम में, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में हम 80 या फिर 100 से ज़्यादा प्रोसेसर को या सीपीयूज को हम इंटरकनेक्शन नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका स्केलेबल पावर जो है वो 80 या फिर 100 प्रोसेसर को ही सपोर्ट करने की स्केलेबल पावर है इसमें। मोर सीपीयूज या प्रोसेसर्स कॉज सीपीयू प्रोसेसर्स टू स्पेंड मोर टाइम वेटिंग। अगर हमने 100 से ऊपर सीपीयूज या प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क के साथ जोड़ दिया
तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि एक प्रोसेसर जब मेमोरी को एक्सेस करेगा तो दूसरे प्रोसेसर को, यानी कि 100 से ऊपर अगर प्रोसेसर है तो 100 से ऊपर वाले प्रोसेसर को जो है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में दूसरा आर्किटेक्चर जो हमारे पास है उसका नाम है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। तो आइए देखते हैं कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इन शेयर डिस्क आर्किटेक्चर, सिंगल डिस्क और सिंगल डिस्क सेटअप इज शेयर्ड अमंग ऑल द अवेलेबल प्रोसेसर्स। तो इसको सिंगल डिस्क या फिर सिंगल डिस्क सेटअप बोलते हैं। ये तीनों जो है ये सिंगल डिस्क सेटअप है और डेटाबेस जो है वो इसी में स्टोर है। यानी कि ये क्या है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है और यहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर है। तो इस डिस्क सेटअप को जितने भी प्रोसेसर्स अवेलेबल है वो सारे प्रोसेसर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। यानी कि पी जो है यहाँ पर ये वाला प्रोसेसर, ये भी इस डिस्क सेटअप को यूज़ कर रहा है, ये वाला प्रोसेसर भी इस डिस्क सेटअप को यूज़ कर रहा है, ये वाला प्रोसेसर भी इस डिस्क सेटअप को यूज़ कर रहा है, ये वाला भी, और ये वाला प्रोसेसर भी इस डिस्क सेटअप को यूज़ कर रहा है। और ये सारे प्रोसेसर और ये डिस्क सेटअप जो है ये नेटवर्किंग कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये नेटवर्किंग कनेक्शन जो है बस टोपोलॉजी का जो है हाई स्पीड नेटवर्किंग हो सकता है, मैश टोपोलॉजी का जो है हाई स्पीड नेटवर्किंग हो सकता है। एंड ऑल्सो ऑल द प्रोसेसर्स हैव देयर ओन प्राइवेट मेमोरीज। और इस सिस्टम में, इस डिस्क आर्किटेक्चर के सिस्टम में जितने भी प्रोसेसर लगे हुए हैं हर प्रोसेसर के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट मेमोरी भी है। ये इसके साथ एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी। तो इस प्रोसेसर के पास भी अपना मेमोरी है, इस प्रोसेसर के पास भी अपना मेमोरी है और इस प्रोसेसर के पास भी अपना मेमोरी है। तो जनरली अगर मैं बात करूं कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर क्या है, तो शेयर डिस्क आर्किटेक्चर में ये पैरेलल डेटाबेस का दूसरा आर्किटेक्चर है। और इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्किंग सिस्टम है। और उस बस टोपोलॉजी वाले नेटवर्किंग सिस्टम के साथ पूरा एक डिस्क सेटअप जुड़ा हुआ होता है और बहुत सारे अलग-अलग प्रोसेसर्स जुड़े हुए होते हैं। और उसी हाई स्पीड नेटवर्किंग के थ्रू ये सारे अलग-अलग प्रोसेसर्स जो है डिस्क सेटअप को यूज़ करते हैं और हर प्रोसेसर के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट मेमोरी होती है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को शेयर डिस्क आर्किटेक्चर कहते हैं। देखते हैं कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर के कौन-कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका। तो शेयर डिस्क आर्किटेक्चर में जो मेमोरी बस है, मेमोरी बस का मतलब जो मेमोरी वाली केबल है जो नेटवर्किंग के केबल के साथ जुड़ी हुई है, वो मेमोरी वाली केबल जो है उस केबल में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वो केबल कोलैप्स नहीं होती है। क्यों कोलैप्स नहीं होती है? बिकॉज इच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी। क्योंकि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर में जितने भी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं उन सब प्रोसेसर के पास अपनी खुद की प्राइवेट मेमोरी होती है, इसलिए सारे प्रोसेसर का जो लोड है वो किसी एक मेमोरी पे नहीं आता है, वो लोड आता है प्रोसेसर के अपने अपने मेमोरी पे। तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेमोरी की जो केबल है जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है वो केबल कभी कोलैप्स नहीं होती है, उसमें कोई बॉटलनेक
नहीं आती है। इट ऑफर्स ए लो कॉस्ट सॉल्यूशन टू प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ फॉल्ट टॉलरेशन। और इस सिस्टम में क्या होता है कि फॉल्ट टॉलरेशन के केस में ये सिस्टम एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो फॉल्ट टॉलरेशन क्या होता है? तो फॉल्ट टॉलरेशन में जो है, जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो अगर कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो दूसरा प्रोसेसर जो है उस प्रोसेसर का काम अपने ऊपर ले करके जो है टास्क को स्मूथली रन करता है, सिस्टम को रन करता है स्मूथली। तो इसी को कहते हैं कि फॉल्ट टॉलरेशन को एक सॉल्यूशन भी ये सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। तो एक बार यहाँ और देखते हैं कि फॉल्ट टॉलरेशन क्या है। तो फॉल्ट टॉलरेशन मीन्स टू और मोर सिस्टम, मतलब टू और मोर प्रोसेसर, इफ वन ऑफ देम फेल्स, अगर उनमें से कोई एक फेल हो जाता है तो अदर सीपीयूस या अदर सिस्टम या अदर प्रोसेसर टेक ओवर इट्स टास्क। तो उस फेल हुए प्रोसेसर का टास्क दूसरे सीपीयू या दूसरा सिस्टम या दूसरा प्रोसेसर अपने हाथ में ले लेता है और रन स्मूथली और सिस्टम को स्मूथली रन करता है। तो इट हैज़ फाउंड एक्सेप्टेंस इन वाइड एप्लीकेशन। और बड़े बड़े एप्लीकेशन में जो है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। तो ये इसका एडवांटेज था। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम कि इंटरकनेक्शन टू डिस्क बिकम्स बॉटलनेक, यानी कि डिस्क सिस्टम या डिस्क सेटअप जिस पे हमारा डेटाबेस स्टोर है, तो उस डिस्क सेटअप का जो वायर है, नेटवर्किंग कनेक्शन के साथ जो वायर जुड़ी हुई है, वो वायर कोलैप्स हो जाती है। उस वायर में, उस कनेक्शन में बॉटलनेक आ जाता है जब डेटाबेस मेक्स ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस टू द डिस्क। जब डेटाबेस सिस्टम एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस करता है उस डेटाबेस डिस्क से, यानी कि जब डेटाबेस सिस्टम डिस्क से एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन को डिस्क से जब एक्सेस करता है, तो उस डिस्क की जो वायर है, उस वायर में बॉटलनेक आ जाती है, वो वायर कोलैप्स हो सकती है। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर प्रोसेसर टू कॉमन नेटवर्क बस, तो जो हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट का जो कनेक्शन है, यानी कि नेटवर्किंग टोपोलॉजी जो है, बस टोपोलॉजी जो है, उस बस टोपोलॉजी में बहुत सारे प्रोसेसर जुड़े होने की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोसेसर है, वो जब टास्क परफॉर्म करते हैं तो प्रोसेसर स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, तो पैरेलल डेटाबेस में जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है उसका नाम है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। तो देखते हैं कि शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो इन शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी एंड डिस्क सेटअप। तो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इस सिस्टम में जितने भी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, उन सारे प्रोसेसर के पास अपनी खुद की मेमोरी भी होती है और अपनी खुद की डिस्क सेटअप भी होता है। तो दिस सेटअप मे बी कंसिडर्ड एज ए सेट ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। तो इस सेटअप को जो है सेट ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक हाई स्पीड इंटरकनेक्शन नेटवर्क से, यानी कि मैश टोपोलॉजी से, बस टोपोलॉजी से, इस तरह के हाई स्पीड इंटरकनेक्शन नेटवर्क से जो है ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसको सेट ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि
जितने भी प्रोसेसर इस सिस्टम में लगे हुए होते हैं उस प्रोसेसर की खुद की मेमोरी होती है और खुद का डिस्क होता है। तो यहाँ डायोग्राम में हमारे पास प्रोसेसर पी के पास यहाँ पर मेमोरी भी है और यहाँ पर खुद जो है डिस्क सिस्टम भी है इसके पास। यहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। इस प्रोसेसर के पास भी यहाँ पे खुद की मेमोरी है, खुद का जो है डिस्क है, इसके पास भी खुद की मेमोरी, खुद के पास डिस्क है और इसके पास भी खुद की मेमोरी, खुद का डिस्क है। तो यहाँ पर अगर हम एक प्रोसेसर की बात करें तो एक प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी है, खुद का डिस्क है, तो इस एक प्रोसेसर को हम एक पूरा का पूरा कंप्यूटर सेट बोल सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्यूटर सेट हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर सेट हो गया, ये तीसरा कंप्यूटर सेट हो गया, ये चौथा कंप्यूटर सेट हो गया, ये पांचवा कंप्यूटर सेट हो गया। और डेटाबेस को और इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन को जितने डिस्क है उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक डिस्क ये, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक ये पांच। तो हमारे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जितना बड़ा डेटाबेस है, उन डेटाबेस को पांच डिस्क में बराबर बराबर भागों में बांट करके स्टोर कर दिया जाता है। तो इसी को डेटा पार्टिशनिंग बोलते हैं। तो इसका अगला जो लेक्चर आएगा उस अगले लेक्चर में मैं डेटा पार्टिशनिंग के बारे में बताऊंगा और आगे चल करके जब मैं डेटाबेस टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं डेटा की पार्टिशनिंग का जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी आपको मैं वहां पे समझाऊंगा। तो यहाँ पर डेटा जो है सारे डिस्क में बराबर भागों में बांट दिया गया है और हर प्रोसेसर के पास एक डिस्क है, एक मेमोरी है। तो हर प्रोसेसर इंडिविजुअली एक कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है। तो शेयर नथिंग आर्किटेक्चर जो है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में यूज़ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? जो है वो जब हमारा पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नया टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो नया टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का ही होगा। तो उसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है। तो यहाँ जो है यही था शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में जो है मिनिमाइज कंटेंशन अमंग सीपीयूज प्रोसेसर्स बाय नॉट शेयरिंग रिसोर्सेस। तो इसमें एडवांटेज क्या है इस सिस्टम में जो एडवांटेज है वो ये है कि हर प्रोसेसर जो है इंडिविजुअली अपने खुद के मेमोरी और डिस्क के साथ वर्क करता है, इसलिए प्रोसेसर में कंटेंशन नहीं आता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई बॉटलनेक वगैरह वहाँ पर जो है नहीं होती है। उसके बाद ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ रिक्वायरिंग ऑल इनपुट आउटपुट टू गो थ्रू ए सिंगल इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इनपुट आउटपुट के लिमिटेशन को भी ये ओवरकम करता है कि ये जो है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन पे इनपुट आउटपुट जो है एक ही रास्ते से नहीं जाता है। मतलब जब इनपुट आउटपुट आता है, जब यूज़र की रिक्वेस्ट आती है तो जो प्रोसेसर पास में पड़ता है वो प्रोसेसर तुरंत रीड करके और राइट करके इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो कुल मिला जुला करके हम इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि पूरे इंटरकनेक्शन के नेटवर्किंग पे पूरे पे इनपुट आउटपुट का जो है इनपुट आउटपुट एक्टिविटी का लोड जो है वो नहीं आता है। एडिंग मोर सीपीयूस, एडिंग मोर प्रोसेसर्स एंड मोर डिस्क इनेबल द सिस्टम ग्रोइंग इन साइज विद स्केलेबिलिटी। इट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ सीपीयूस प्रोसेसर्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने प्रोसेसर को बढ़ा दिया,
डिस्क को बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा कि सिस्टम भी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम में स्केलेबिलिटी आएगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सिस्टम स्लो नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोसेसर के पास जो है खुद की मेमोरी और खुद का डिस्क सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोसेसर स्लो नहीं होंगे। इसलिए ये जो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर है, ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर को, इसमें कितने भी प्रोसेसर हम ऐड कर सकते हैं, और चूंकि प्रोसेसर की खुद की मेमोरी और खुद के डिस्क होते हैं, इसलिए ये सिस्टम स्मूथली रन करता है, प्रोसेसर स्लो नहीं होते हैं। इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं तो डिफिकल्ट टू लोड बैलेंस एज वर्क लोड नीड्स टू बी पार्टीशन इक्वली अक्रॉस शेयर्ड नथिंग सिस्टम या शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जितने भी प्रोसेसर हैं, उन सारे प्रोसेसर की खुद की मेमोरी और खुद के डिस्क होते हैं, तो डेटाबेस को हमें हर डिस्क पे जो है इक्वली पार्टीशन करके स्टोर करना पड़ता है, और ये काम करने के लिए हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है, अगर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोड बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब किसी एक नोड पे, किसी एक प्रोसेसर वाले साइड में डिस्क सिस्टम में डेटाबेस ज़्यादा स्टोर हो गया, दूसरे वाले प्रोसेसर के डिस्क सिस्टम में डेटाबेस कम स्टोर है, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वर्कलोड किसी एक प्रोसेसर पे पड़ सकता है और वो प्रोसेसर फेल भी हो सकता है। तो वर्कलोड की यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वर्कलोड को जो कम करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन को, डेटा को या डेटाबेस को क्या करेगा, अक्रॉस वेरियस डिस्क में इक्वली जो है डेटा को डिवाइड करके स्टोर करना पड़ेगा उसको। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का मेरा ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि पार्टिशनिंग क्या होता है और पार्टिशनिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।